हेलो एवरीवन वन आई होप यू ऑल वेल अभी हम प्रॉब्लम एटीन करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर वन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एम ए वहाब चैप्टर का नेम है एटम्स इन क्रिस्टल्स और प्रॉब्लम एटीन है ये और इससे पहले हम प्रॉब्लम सेवेंटीन कर चुके हैं उसके अलावा हम और प्रॉब्लम्स करते जाएंगे सो so, अभी हम ये प्रॉब्लम एटीन करते हैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं और इसके स्टेटमेंट में कहा गया है कि वट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिला इंडस्ट्रीज ऑफ अ लेट इस प्लान प्लान के मिला इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या समझते हैं एंड फाइंड द मिला इंडस्ट्रीज ऑफ अ प्लान दैट मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ इन्होंने ये केस दिया हुआ है और इस केस से हमने रिड्यूस करने हैं मिले इंडस्ट्रीज उस प्लान के जिसका ये जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है एक प्लान है जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि उसके इंटरसेप्ट ये हैं और आ, ये डायरेक्शन है ए बी एन सी और आप उसके मिले इंडस्ट्रीज फाइंड आउट करें कि क्या होंगे ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या करना है मिले, मिले इंडस्ट्रीज के बारे में मिले इंडस्ट्रीज ऑफ अ प्लान के बारे में जो भी हम समझते हैं सब कुछ यहाँ पर लिख देते हैं तो अभी हम लिखते हैं कि मिलर इंडस्ट्रीज ऑफ अट प्लेन के बारे में हम क्या समझते हैं और इस तरह से तो सबसे पहले हमें बताना है कि मिलर इंडस्ट्रीज यूज़ क्यों किए जाते हैं ठीक है तो मिलर इंडस्ट्रीज आपको पता है कि नंबर्स होते हैं एक्चुअली ठीक है प्लान के लिए इस तरह से आप नंबर लिख रहे होते हैं ओके और इन नंबर्स की हेल्प से आप प्लान को ड्रा कर सकते हैं तो आपको पता चल जाता है इन नंबर से ही कि प्लेन कौन सा है उसकी ज्योमेट्री क्या है और वो सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता चल जाती हैं तो ये नंबर्स जो, जो जिन्हें हम मिले इंडस्टिस कहते हैं ये न्यूमरिक रिप्रेजेंटेशंस हैं फॉर द प्लान ठीक है तो प्लान को नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम मिले एंडस्टिस को यूज़ करते हैं ओके या फिर मिलेडिस हैं न्यूमरिक रिप्रजेंटेशन ऑफ द प्लान दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन लाइक इट्स जीमेट्री एक्सेट्रा ठीक है तो सबसे पहले हमने ये बात लिखनी है कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं फिर हम लिखेंगे कि ये कैसे होते हैं दिखने में कैसे होते हैं जैसे ये एच के एन एल इन जनरल हम लिखते हैं फर्स्ट वाला एच सेकेंड वाला एल और के थर्ड वाला एल इंक्लोज इन अ सर्कुलर ब्रैकेट्स ठीक है तो ये सर्कुलर uh, ब्रैकेट्स में उसको हम इनक्लोज कर देते हैं और ये राउंड ब्रैकेट्स बट बेटर वर्ड इज राउंड ब्रैकेट्स ओके okay, और ये बताने के बाद कि ये इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फिर हम बताएंगे कि इनको फाइंड आउट कैसे किया जाता है तो एच के एन एल हम प्रोसीजर जानते हैं कि प्लेन्स के मिले डिस कैसे फाइंड आउट करते हैं इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं तीनों एक्सेस के करेस्पॉन्डिंग एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट उनके इन्वर्स लेते हैं जिससे हम रेसिप्रोकल भी वर्ड कहते हैं तो रेसिप्रोकल लेते हैं उनका या इनवर्स लेते हैं और मेक शोर sure करते हैं कि इंटीजर्स हों फ्रैक्शनस ना हों और फिर जो रिजल्टिंग नंबर्स आते हैं उनको हम इलाइनडिस कहते हैं प्लान के तो इस तरह से इस पैटर्न में हम ये सारा पैराग्राफ लिख देंगे और ये वाला पार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम वो जो उन्होंने प्लान बताया उसके इंटरसैप्स वगैरह हमें दिए हुए हैं तो उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे मिलिस तो लेट्स को मिल ऑफ़ अ plane. तो आपको भी मैंने पैटर्न बता दिया अब आप आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा पहले आपने इस पैटर्न को अपने दिमाग में खुद ही रखना है ज़रूरी नहीं है आप सिमिलर यही वर्डिंग यूज़ करें अपनी बनाएं. ठीक है आपको समझ आता है अगर केमिल डिस होते क्या है तो आप अपनी समझ को छाप दें अंग्रेज़ी में तो न्यूमरिक रेप्रजेंटेश रेप्रजेंटेशन ऑफ अ प्लान That can be used to draw information, information about planes like its geometry etc. तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी राइटिंग को नीट करने की आ, लेकिन मेरी ये राइटिंग अगर मैं चाहूँ तो मेरी नीट हो सकती है लेकिन आ, होता नहीं है मुझसे मतलब मुझे पसंद नहीं है नीट लिखना में अपने पेपर्स भी जो है ना बहुत ही मुश्किल से ये मेरी कोशिश होती थी कि मैं नीट कर लूँ लेकिन फ़ील नहीं आती जब तक मैं रफ ना लिखूँ तो क्वालिटी मैटर करती है कंटेंट की अब ये चीज़ें हमें साथ साथ बोल भी तो रही होती इतनी तो है ना कि आपके लिए रेटबल हो तो कुछ तो बहुत नाइसली इस बात को कहते हैं कि आप आ, की राइटिंग थोड़ी वो है लेकिन कुछ बहुत रूरली कह देते हैं तो बेहतर मैं करूंगी साथ साथ आराम आराम से तो यस yes. तो यहाँ तक हमने वही बात जो मैंने पहले बताई थी अब बताएंगे कि ये कितने इंडिसेस होते हैं दे आर थ्री इंडिसेस नेम्ड एज एच के एन एल ओके इंक्लोज इन अ राउंड ब्रैकेट्स ठीक है एच के एन एल ऐसे आपने लिख लेना है पीरियड मार्क, फिर उसके बाद ये भी लिख दें, कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके यहां तक ये यह हमने बता दिया कि इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे आप बताएंगे फाइंड कि, और कि कैसे करते हैं दीज आर ओपन बाय टेकिंग रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स जो भी आपका फेवरेट वर्ड है आप वो यूज करें ठीक है जी तो रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन विथ सिलेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है तो जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने डिफाइन किया होता है ओके okay. उसमें आप प्लेन को ड्रॉ करते हो उसके इंटरसेप्स आपको ड्रॉ मतलब पहले से आपको मिला होता है तो आप इंटरसैप्स देखते हो उस एक्सिस के साथ जो वो इंटरसेप्ट बना रहे होते हैं प्लेन तो अगर आपने ये मेथड देखा हुआ है कि प्लेन के मेरे इंटरसिज कैसे फाइंड आउट करते हैं तो अगर आपने वो सीखना है तो मैंने इसकी बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोज़ बनाई हैं आप वो देख सकते हैं तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स वन की प्ले में आप जा सकते हैं तो ये हमने इसके बारे में सब लिख दिया सच दैट कंडीशन ये भी जैसे मैंने बताया कि वो इंटीजर्स होने चाहिए फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए सच रिजल्टिंग नंबर्स आर इंटीजर्स, बट नॉट फ्रैक्शन एक्सेट्रा इंटीजर्स वो होते हैं जो वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री ऐसे ठीक है होल नंबर्स कंप्लीटली जबकि फ्रैक्शंस क्या होता है वन बाय टू वन बाय थ्री एक्सेट्रा ठीक है तो वो नहीं होने चाहिए रिजल्टिंग जो नंबर्स हैं तो इस तरह से कि इंटरसेप्ट के इन्वर्स आप लेते हैं और इन्वर्स आने के बाद अगर वो इंटीजर नंबर हैं तो वही नंबर जो हैं मिले होंगे ओके तो एक्स इंटरसेप्ट से आपको एच मिलेगा वाई इंटरसेप्ट से के मिलेगा जी इंटरसेप्ट से एल मिलेगा ओके और यस ये इस तरह से हमने इसका लिख दिया है और इतना ही इनफ होगा तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अपनी शोखी बनाने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वन ज़ीरो ज़ीरो प्लेन ईशॉन बिलो तो हमें ड्रॉ कर दें ठीक है ये बताने के लिए कि हमें बड़ा पता है कि <laughs> किस कैसे ड्रा जा किए जाते हैं या ऐसा वैसा कुछ ठीक है तो वो ये ऑल पॉजिटिव ओरिजिन होता है ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये जी एक्सिस और जो ये प्लेन है वन जीरो ज़ीरो वाला बनता है यहाँ पे मैं मेथड क्लियर नहीं कर रही क्योंकि दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम तो ये बस ओके तो अभी हम प्रॉब्लम के सल्यूशन की तरफ चलते हैं सेकेंड पार्ट जिसमें कहा गया है कि ये केस है इंटरसेप्ट उन्होंने बताए मैं थ्री ए टू बी एन सी ठीक है थ्री एक्सिस के करस्पॉन्डिंगली मिले एंड इस फाइंड आउट करें प्रोसीजर तो हमें पता है अभी निकाल so ये इंटरसेप्ट हैं है, यहाँ पे आप लिख दें कि इंटरसेप्ट ओके तो यहाँ पे तीन लाइंस खींच लें ओके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि क्योंकि ये लेंस के फॉर्म में गिवन है तो आपको इनके लेंस के पैक्टर को ख़त्म करना होता है और उसके लिए आप क्या करते हो जो परमिटिव वेक्टर्स गिवन होते हैं ना क्रिस्पोंडिंगली ए बी और सी उनसे डिवाइड करना होता है तो ये जो पहला वाला है उसे पहले वाले से डिवाइड करेंगे विजेस ए दूसरे वाले को दूसरे से करेंगे जो कि बी था दूसरे वाले को तीसरे से करेंगे जो कि सी था नाउ डिवाइडिंग बाय आप ये लिख लिख सकते हैं एज अ स्टेप कि डिवाइडिंग बाय द कोटर्स ऑफ द दैटेस्ट ठीक है जो कि स्टेटमेंट भी है प्रॉब्लम की तो ये आपको क्या मिल जाएगा थ्री टू वन ओके तो ये अभी तक इंटरसैप्ट चाह रहे थे जिनका हमने इनसे डिवाइड किया अब हम क्या लेंगे इनवर्स रेसिप्रोकल जब हमें ड्रोन मिलते हैं ना प्लेन्स तो हम लेते हैं उनको इस तरह की फॉर्म में तो बाद में को ले लेते होते हैं तो समटाइम्स आपको आपको अगर इंटरसप इस तरह की फॉर्म में गिवन है तो आपको इन सी बी ए को ख़त्म करना होता है सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में इसको लाना होता है ठीक है तो नंबर्स के फॉर्म में हम ले आए अब वही स्टेप करेंगे कि रेसिप्रोकल लेंगे तो वन अवर थ्री आ जाएगा ये वन आवर टू आ जाएगा वन के इनवर्स वन ठीक हो गया तो अभी क्या करना है कि फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए यहाँ तो फ्रैक्शन आ गई तो फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं उसके लिए क्या करना होता है आपको कि आपने करना है एल्सीय से मल्टीप्लाई सबको तो एल्सीयम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री और टू कैल्सियम लेंगे डिनोमिनेटर्स कैल्सियम लिया जाता है ना तो थ्री वन जॉ थ्री थ्री टू जो सिक्स सो सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको ओके थ्री थ्री वन जो थ्री थ्री टू जिक्स टू आ गया थ्री सिक्स टू थ्री सिक्स इंक्लोज इन अ बैक राउंड ब्रैकेट इज अ आंसर ठीक है तो ये उसके मिलइनडिस हैं तो यहाँ पे हम इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं तो इस तरह से ये वाला प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है